कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे कटका पंचायत के अध्यक्ष तो अब नहीं कह सकते हैं क्योंकि पार्टी ने फोरम बदला है और इनका नया जवाबदारी दायित्व तो हो गया है शक्ति केंद्र प्रमुख और यहां के सम्मानित मुखिया आदरणीय लाल पासवान जी, मंच पर आसीन हमारे सिंहवाड़ा मंडल के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रघुनाथ जी, मंच का संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई श्रीमान राणा जी, मंचासीन यहाँ के लगातार सरपंच हम सभी के गार्जियन आदरणीय रामरेखा बाबू, मंच पर उपस्थित यहाँ के उप सरपंच और भारतीय जनता पार्टी के सिंहवाड़ा मंडल के महामंत्री आदरणीय कैलाश जी, उपाध्यक्ष श्रीमान रामचंद्र बाबू और कई शक्ति केंद्र से चलकर आए हुए हमारे पार्टी के निष्ठावान शक्ति केंद्र प्रमुखगण, यहाँ के शक्ति केंद्र के प्रभारी हृदयनाथ जी, भूषण जी, रत्न बाबू और जितने हमारे अभिभावक गार्जियन यहाँ के जिन्होंने हमको चुनने का काम किया, ऐसे जनता मालिक सबको मैं प्रणाम करता हूँ। राणा जी ने विस्तार पूर्वक विषय को रख दिया, अब हमारे कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, हम क्या कहें, कुछ ज्यादा ही कह दिया इन्होंने और कुछ ज्यादा कह दिया। ठीक है, हम प्रयास करते हैं, हम दिन रात लोगों की सेवा में मैं लगा रहूं, ऐसा मेरा प्रयास होता है। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक डेली प्रतिदिन हम अपने घर पर लोगों से मिलने जुलने का काम करते हैं। कई लोग इस गांव के भी गए होंगे तो मुलाकात हुई होगी उस समय में, और 11 बजे से लेकर संध्या काल तक कहीं उद्घाटन है, कहीं शिलान्यास है, तो उस काम को करने का काम करते हैं। और हमारा एक कार्यक्रम अनवरत चलता है विधायक आपके द्वार। जो व्यक्ति मेरे घर हमको मिलने नहीं आ सकता है, बूढ़े लोग हैं, निःशक्त हैं, असहाय हैं, बूढ़ी माँ है, जिसको अपनी बात कहना है और मेरे घर नहीं आ सकती, अपने विधायक से कुछ कहना है उसको लेकिन वो मेरे घर नहीं आ सकती है, वो टोले मोहल्ले के किसी पोते को पकड़कर और एक फोन लगवा लेती है कि विधायक जी को फोन लगाओ, जरा बात कराओ, और अगर वो फोन पर हमको बुला लेती है तो हम उनके घर मिलने जाते हैं। हमारा एक कार्यक्रम है विधायक आपके द्वार, जो 365 दिन चलता है क्षेत्र में रहने पर। किसी को आजमाना हो तो आजमा लीजिएगा कि आप हमको फोन करते हैं तो जब मैं क्षेत्र में रहूंगा तो उसी दिन आपके घर आऊंगा, क्षेत्र में नहीं रहूंगा तो हो सकता है जिस दिन लौटूंगा मेरी डायरी में लिखा होगा कि कटका पंचायत से फलाने व्यक्ति ने मुझे फोन किया, उनको मिलना है शाम ढलने के पहले। और जब रात्रि होती है तो हम तो गरीबों के विधायक हैं, बड़ा भाव से लोगों ने चुना था, जब जीत कर आए तो ऐसा जन सैलाब रोड पर था कि जाले की जनता ने उस जन सैलाब को नहीं देखा था। हम लोगों की महत्वाकांक्षा को समझते हैं, लोगों की अपेक्षा को समझते हैं और उस पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। और जब कोई गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी में बुलाएगा तो जाना मेरा धर्म बनता है, कोई गरीब आदमी जब अपने बेटे के मुंडन में बुलाएगा तो जाना मेरा धर्म बनता है, चाहे वो रोटी साग खिलाए या रोटी नमक खिलाए या एक गिलास पानी पिलाकर वहां से विदा कर दे, लेकिन मैं जाता जरूर हूँ, वहां अपना न्योता पूर कर जरूर आता हूँ। अब कुछ लोग इस बात से परेशान हैं कि सबके घर चले जाते हैं, तो भाई सबके घर हमारा आत्मीय संबंध है, कोई बुलाएगा तो जाएंगे। और भोज से भी बढ़िया जगह कोई होता है लोगों से मिलने जुलने का क्या? अगर इस गांव में कहीं एक मुरन का भोज हो जाए तो गांव का सारा आदमी एक ही दरवाजे पर मिल जाएगा, उतने लोगों को मिलने के लिए गांव में पूरा दिन दरवाजे दरवाजे जाइएगा तो मुलाकात नहीं होगी। तो ये कैसे लोग हैं जो राजनीति में इस बात से भी घबराते हैं कि विधायक जी पहले आते ही नहीं थे, 9 महीने में आते थे, 1 साल में आते थे, आए चुनिंदा लोगों के यहाँ बैठे और चले गए, और अभी विधायक को कोई बुला लेता है उसके यहाँ चले जाते हैं। हमको तो सड़क पर कोई हाथ दे देता है हम गाड़ी रोक के उसका हालचाल पूछ लेते हैं, अब इस बात से आप क्यों घबराते हैं? तो अब कुछ मिलता नहीं है विरोधी का तो कहता है भोज बहुत खाते हैं। अरे महाराज, तो हमको लोग बुलाता है तब ना भोज खाते हैं, आपको बुलावे नहीं करता था, आपसे लोग डरता था,
अब से लोग भय खाता था कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, हम गरीब आदमी है कहीं नौता देंगे तो डांट नहीं दे हमको, और हमको तो गरीब आदमी हाथ से फोन करता विधायक जी। तो जी बोलू तो हम फलना राम बोले छी, हमारा पोती के अभी आवे पड़त वही में। अच्छा अब ना अब तो देख ले ना ना अबे करब देखाओ नहीं हमरा, हम अबे कर हम आके देखाए वहां के अहा नहीं देखाओ हमरा। इतना हक से जो व्यक्ति हमको बुलाता है उसके यहाँ मैं नहीं जाऊं क्या? कोई गुनाह करते हैं क्या उसके यहाँ जाकर? कोई गुनाह तो करते नहीं है, जिस भाव से वो बुलाता है मैं जाता हूँ, उसके दरवाजे पर पानी भी चढ़ाता हूँ, इसमें कोई गुनाह तो करता नहीं हूँ। और रह गई बात कटका पंचायत का मित्रों, तो कटका पंचायत में राणा जी ने 1 करोड़ कहा। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 3 करोड़ 30 लाख रुपए की योजना यहाँ मैं स्वीकृत करा चुका हूँ। इन्होंने 1 करोड़ 17 लाख कहा, वो सड़क 1 करोड़ 77 लाख की है जो कटका से बनते हुए दुरुस्त होते हुए पैरा तक आएगी जो निविदा की प्रक्रिया में। दूसरी सड़क भूषण जी ने कहा उस सड़क की भी स्वीकृति हो गई है, और वो सड़क जो है 68 लाख रुपए की सड़क है जो तहसील पैरा मोहनपुर फकीर तकिया डोमू पासवान के घर तक पथ निर्माण उसका होना है, जो 68 लाख रुपए की सड़क है। महेश राम जी होंगे यहाँ, चले गए क्या समिति महोदय? आप बैठिए, खड़े क्यों है भाई, आप बैठिए, बिठाइए। इनके कहने से मैंने 2 सड़क लिखा है और बहुत जल्दी वो दोनों सड़क का निर्माण हो जाएगा। आशीष ठाकुर जी वाले घर का मैंने सड़क लिख दिया है, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 3 करोड़ 30 लाख रुपए का घाट से लेके और सोलर से लेके और सड़क निर्माण का जो है घाट, और ये सोलर तो 2-4 लाख का है, लेकिन सड़क में 3 करोड़ 30 लाख रुपए की योजना आपके इस गांव के लिए स्वीकृत हो चुका है। कुछ प्रस्ताव आपने आज हमको दिया है, अपितु अब तो समय हमारा भी 2 साल बच गया है। हम तो हर साल काम करके 1 साल के बाद जनता की अदालत में पत्रकार बंधुओं को बुला करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के आना पाई पैसे का हिसाब देने का काम इस देश के आजादी के बाद बिहार के अंदर और जाले के अंदर अगर किसी विधायक ने किया है तो आपका विधायक है, कि मैंने आना पाई का हिसाब जनता के अदालत में रखने का काम अपने 2 साल के कार्यकाल में किया। अब 3रा साल मेरा पूरा हो गया है, उसका भी आना पाई का हिसाब मैं आपको दूंगा कि किस पंचायत में कितने रुपए का काम किया और कहां कहां काम किया, वो दिखने वाला काम होगा, आप देखकर उसको परख सकते हैं। इसी भाव के साथ मैं लगातार काम कर रहा हूं। सारे पंचायत के अंदर बगल में सनापुर है, लगभग 3.5 करोड़ का काम मैं वहां भी कर चुका हूं। तो इस तरह से सड़क के क्षेत्र में हो या डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, जितनी हमारी अपनी क्षमता है उसको लगा करके मैक्सिमम काम करने का हम गरीबों के हित में लगातार प्रयास जारी रखे हुए हैं। आपने 1-2 बात कहा, निश्चित रूप से काम भारी है, वो कोई आसान काम नहीं है जिस काम को आपने रख दिया, लेकिन हम उसको जरा समझेंगे कि जो काम जो हरिहरपुर पश्चिमी से सड़क आई है वो इधर से कोई सड़क गई है क्या? अगर ये सड़क गई होगी बांध के किनारे पर तो हम प्रयास करेंगे इस पर जरा बैठ के मुखिया जी के साथ बात करेंगे कि पहले आप इस सड़क को मनरेगा के माध्यम से मिट्टी खरजा करके उस बांध में सटा दीजिए। जब ये सट जाएगा और उधर का भी सड़क होगा वहीं सटाइएगा जहां उधर से सड़क आई होगी, ये नहीं कि उधर से यहां सड़क आई हो और हम इधर से सटा दें, मतलब मिलान कर देना है उधर वाली सड़क और इधर वाली सड़क को ले जाके बना देना है। तो बीच का जो पुल बचेगा, बिहार सरकार कहती है कि सड़क से सड़क का लिंक होगा तब उस नदी पर हम पुल बनाएंगे, अगर उस साइड सड़क होगा इस साइड सड़क नहीं होगा तो फिर पुल नियमानुसार नहीं बनेगा, उसमें जितना भी प्रयास कर लेंगे पुल नहीं बनेगा। इसलिए दोनों मुखिया जी से निवेदन है, उधर वाले मुखिया जी से भी बात करके अब उस सड़क को बांध में सटा लेना है, इधर से सड़क सटा देना है, तब हम पुल भी बना देंगे और ईश्वर ने चाहा तो भविष्य में इस सड़क को उठा करके ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा कंक्रीट सड़क भी इसको करवाने का प्रयास करेंगे। ये जरूर हम प्रयास करेंगे, काम आसान नहीं है। हम कोई वोट लेने आज नहीं आए हैं कि कोई बहुत लोग उस समय
फर्जी बात कह के चले जाते हैं। हमने अपने चुनाव में कोई फर्जी बात किसी से की ना, आज कर रहे ना भविष्य में करेंगे। जीत हार आपके हाथों में, ईश्वर के हाथ में है, वह बहुत मेरे लिए चिंता का विषय नहीं होगा। मेरा मन इसी में प्रफुल्लित रहता है कि मैं हरेक आदमी से मिलता हूँ, हरेक आदमी का काम करने का प्रयास करता हूँ, और यही हमारा पारितोषिक है, यही मेरा इनाम है। इससे ज्यादा मैं कुछ चाहता नहीं। रह गई बात रिंग बांध का, तो रिंग बांध के क्षेत्र में भी क्या संभावना है, हम जल संसाधन विभाग से उस संबंध में बात करेंगे। इसका कहां से क्या प्रारूप होगा, कोई एक आदमी इसमें जवाबदारी लेकर के उसको तैयार करके हमको दे दीजिए। हम माननीय मंत्री से मिलकर के इस गांव को कैसे बाढ़ से सुरक्षित किया जाए, इस संबंध में अपना प्रस्ताव हम विधानसभा में रखने का काम करेंगे, माननीय मंत्री जी को कहने का काम करेंगे। निश्चित रूप से हम आपके ये दोनों आग्रह को स्वीकारते भी हैं और करने के लिए प्रयास भी करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब टेक्निकल बात उसमें क्या है, कितनी सफलता मिलेगी, ये हमारे प्रयास के बाद ही हमको जानकारी होगा। इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ मैं इतनी बात आपकी अदालत में यहाँ खड़ा होकर रखना चाहता हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ये मन में भाव नहीं लाइए कि किसी ने यहाँ काम नहीं किया। और हम गांव के लोगों को कहेंगे, हम तो घाट इसलिए भी हर गांव में सोचे बना दें कि जब समाज में बच्चे की शादी होती है तो मिट्टी लाने भी लोग पोखरे में ही आते हैं, मटकोर जिसको हम लोग कहते हैं। हम समझते हैं पूरा मिथिलांचल का रिवाज है, सीता जी के समय से ही रिवाज चला आ रहा है। तो अगर मिट्टी लाने हम लोग जाते हैं तो हमारे गांव घर की बहनें खूब पहन ओर के जाती है, पानी में टपने वक्त ऊपरे खड़ा हो जाती है। तो ये हम अपने गांव से देखते थे, इसलिए हमने कहा कि सब गांव में एक एक तो घाट बना देना है। घाट के कई काम है, जैसे मटकोर हो गया, तर्पण के समय में भी ये घाट काम आएगा, और छठ के समय में भी ये घाट काम आएगा, और बाकी दिन में भी हम लोग गांव में कई बार गुदरा है, खेलड़ा है, उसको धोना है, खींचना है, तो कल के पानी पर नहीं होता है। उसके लिए हम लोग तक गांव में रहने वाले लोग हैं, उसके लिए आज भी लोग पोखरे जाता है, चाहे मैन पॉइंट पर जाता है। तो ये सब सोचते हुए हमने कहा कि सभी गांव के पोखरे में मैं एक एक घाट बना दूंगा। हमको कई बार पटना जाते हैं, हमको विभाग में कई बार कहता है लोग, आप घाट मैन हो गए, सबसे ज्यादा घाट दरभंगा जिला में आप बनाए हैं, आप घाट मैन हो गए। हम कहा भाई घाट मैन नहीं, हमारी इच्छा थी कि हर गांव में घाट हो। आज भी गांव के पोखरे में घाट की अहमियत है और उससे जनमानस जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस काम को करने का ज्यादा से ज्यादा मैं 70-60 से ऊपर घाट पूरे क्षेत्र में बनाने का काम किया हूँ। और मैं यहाँ के ग्रामीणों से निवेदन करता हूँ कि घाट उत्तर बन गए कि पूरब बन गए, तैला मन के भारी नहीं करूँ, उत्तरो अही के है, पूर्वो अही के है, बड़का अंगुरी भी हाथ में के अही के है, छोटका अंगुरी भी घाट में के अही के है, हाथ में के कैला आई विवाद में फैस का गांव में मुंह भारी करे के काम न है। हमारा जिंदगी जान रहत, अगर हम रह गेली तो फिर जहाँ जहाँ कह तहाँ तहाँ घाट बना दे, हमारे शुरुआत है। कैला मन भारी नहीं करूँ कि पूरब बन ले पश्चिम के लानी बन ले, कि घाट लगी गांव बटा जाता है, अहाँ के हम बटा दे कदापि नहीं बटा दे, अहाँ चिंता नहीं करू, आवश्यकता पड़े तो हम ओनु घाट बनाए, आई बात के हम अखनी आई कही के जा रहा थी। लेकिन अहाँ बटू नहीं, मन के भारी नहीं करूँ जो वही मुहे बन ले तभी मुहे पिलाने बन ले। गांव के घाट है, सबके लिए उपयोगी है, सब आदमियों का इस्तेमाल करते बढ़िया रहते। तो बहुत बात कह के पूरा के पूरा सरकार, भारत सरकार, पूरा बिहार सरकार जनहित में, गरीब हित में मैक्सिमम काम कर रहा है। एक समय अहाँ सबके याद हो कि मोबाइल लगा लोग चौक पर जाए, जखन एक चार्ज जो है से चौक पर बैटरी से कह दी यहाँ चार्ज करे ले। 4 साल के अंतराल में आज कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल को अब चार्ज कराने चौक पर कादो हिल कर नहीं जाता। अब गांव में पक्की सड़क है, और नरेंद्र मोदी इस देश में जब एक गरीब का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा, दूसरे के घर में बर्तन मजने वाली का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो एक एक घर को उजाला कर दिया, हर घर में बिजली पहुंचा दिया, और आज कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि मोबाइल चार्ज करेला हमरा चौक पर जाए पड़े। अब मोबाइल केहन भ गए यार, सरकार के उपलब्धि देखियो, 14 के पहले आई देश में 2 गो कंपनी मोबाइल बनाबे,
आई 18 में इस देश में 107 कंपनी मोबाइल बना रहा है। ओठाम हमरे धिया पुता ने नौकरी करे छे भाई। और पहले जो मोबाइल पर लोग बतिया है तो ललका बटन पर औड़ी धैये का बतिया है, जो बात भेल खत कटल। आई नरेंद्र मोदी के राज में की भगल है, बेटी के यहाँ फोन लगा के माई इो पूछे चाहे कि तरकारी कथी बनलो है, मेहमान एलखुन कि नहीं एलखुन, बउआ सबके नहीं हो, पढ़े छो कि नहीं पढ़े छो, आधा घंटा लोग बतियाता है। ये नरेंद्र मोदी का कमाल है। मोबाइल तो गरीब आदमी के मुकद्दर में नहीं था, ये गरीब का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना, घंटों पीसीओ में लाइन लगने के बाद लोग दो बातें कर पाते थे अपने बेटा से दिल्ली कलकत्ता पंजाब में, आज तो आधा आधा घंटा बात करता है रात को, और लगता है कि बेटा मेरे बगल में बैठा है और पुतौ भी यहीं बैठी हुई है, सब बात कर रही है हमसे। इतना दिल को जोड़ने का काम इस देश में केवल एक गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है उसने ऐसा काम कर दिखाया। मित्रों पहले हम बैंक में जाते थे, हाथ पांव कांपता था, अब बैंक वाला तो नहीं देख लिया, मैले कुचले कपड़े में है तो पहले ही डांट दिया, ए चलो निकलो निकलो बाहर निकलो, और हम लोग भी हड़बड़ा के बाहर निकल जाते थे। अभी ये नरेंद्र मोदी है कि देश में 33 करोड़ गरीबों का खाता खुल गया है, दुनिया में सर्वाधिक बैंक अकाउंट अगर किसी के पास है तो इस भारत देश के पास आज के दिन में। और पहले क्या क्या होता था सब पता है, आज तो सीधा सीधा रुपया अकाउंट में आना शुरू हो गया है, और जो कमी बेसी है वो भी कुछ दिन में दूर हो जाएगा। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। हम तो कह रहे हैं मित्रों कि अगर आने वाले चुनाव जो 19 में है उसमें एक ही कारण नरेंद्र मोदी को पुनः जीत कराने का है कि हर घर में 22 घंटा बिजली देने का काम अगर आज कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज एक ही कारण है नरेंद्र मोदी को पुनः जीत कराने का कि जो गरीब बैंक में अकाउंट नहीं खोल पाता था आज शान से वो गरीब कहता है मैं भी अकाउंट होल्डर हूँ बैंक में। ये दूसरा कारण हो सकता है। और तीसरा कारण हो सकता है मित्रों कि 9 से लेकर के 14 तक कांग्रेस की सरकार इस देश में केवल 14 लाख घर गरीबों के लिए बनाई, आज नरेंद्र मोदी की सरकार केवल 4 साल में 1,14,00,000 गरीबों के लिए घर बनाया है, और 22 तक कहा है कि कोई भी झोपड़ी नहीं बचेगा इस देश में, हर बूढ़ी माँ का घर मैं छतदार बनाकर रहूंगा। इस प्रण को लेने वाला अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी की सरकार है मित्रों। और ये तीसरा कारण है कि पुनः नरेंद्र मोदी को आना चाहिए। और तो और मित्रों मैं चौथा कारण बता देता हूँ, मैं तो 155 कारण बता सकता हूँ कि क्यों नरेंद्र मोदी को आना चाहिए, लेकिन मैं आज 5 ही कारण बताऊंगा आपको। चौथा कारण है कि आज हर घर में पत्ते पर खाना बनाने वाली, लकड़ी चुनकर खाना बनाने वाली महिलाओं के पास क्या क्या बीमारी धुएं से नहीं होती थी, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता था, उससे पैदा होने वाला बच्चा बचपन से बीमार रहता था। एक गरीब का बेटा, एक मजदूरनी का बेटा जिसकी माँ स्वयं कुन्नी पर और लकड़ी पर खाना बनाने का, गोइठे पर खाना बनाने का काम करती थी, जब उस माँ का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने कहा कि भारत माता के सभी, इस धरती पर रहने वाले सभी माँ के घर में गैस का चूल्हा अगर कोई पहुंचाएगा तो हीरा बेन का बेटा नरेंद्र मोदी पहुंचाएगा, भारत माँ का बेटा नरेंद्र मोदी पहुंचाएगा। और मित्रों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 3 साल में 5 करोड़ लोगों के घर तक गैस का कनेक्शन अगर किसी ने पहुंचा देने का काम किया तो एक चाय बेचने वाले मजदूर के बेटे ने इस काम को इस धरती पर कर दिखा दिया। और झूठ बोलकर, फरेब बोलकर राजनीति करने वाले लोग जिनके घर में जीजा से लेके साले तक सबके सब चोर बैठे हो, वो उस प्रधानमंत्री के बारे में बात करता है जो 12 साल इस देश का मुख्यमंत्री रहा और 4 साल इस देश में प्रधानमंत्री, 4.5 साल रहने के बाद 4 भाई बहनों में, 4 भाई में अपने तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भाई हो गए, एक भाई उनका गुजरात सरकार में 3rd ग्रेड एम्प्लॉई है, ऑफिसर है, जिनके यहाँ उनकी माँ रहती है,
और एक भाई स्वर्गीय हो गए जिनका बेटा लेथ मशीन चलाता है और एक भाई किराने की दुकान करता है और तीन चचेरे भाई हैं उसमें भी एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करता है और एक गुड्डी का दुकान करता है। और ऐसे ईमानदार लोगों पर क्वेश्चन उठाने वाले लोगों को तो पोखरे नहीं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। और राफेल पर विवाद करने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस देश का चौकीदार प्योर है, उस पर किसी भी तरह का संदेह करना गलत है। और आज गरीब के हित में काम करने वाली सरकार जब 60-70 साल के बाद सत्ता में आई है तो इस देश के जो खुफिया तंत्र हैं, इस देश के अंदर जो छल और प्रपंच से राजनीति करने वाले लोग रहे हैं, इस देश में जो चोरी करके राजनीति करने वाले लोग रहे हैं, वो कांप रहे हैं मित्रों। और मैं पांचवा कारण बता देता हूं, आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि देश के आजादी के बाद सरकारें पूरी जोर लगाकर गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर करती रही है, लेकिन 6 करोड़ लोग केवल घर का मुखिया बीमार हो जाने के कारण, घर में कमाने वाला व्यक्ति अगर किसी का बीमार हो गया तो पूरा का पूरा घर बर्बाद होते मैंने देखा है। और 6 करोड़ लोग ऐसे लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे इस देश में चले जाते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी ने प्रण लिया कि अब उसके इलाज में उसका घर बर्बाद नहीं होगा, हम 5 लाख रुपए का हरेक गरीब परिवार को इंश्योरेंस देंगे और वो भी भारत के अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करेगा। अब मुझे आप बता दीजिए ये 5 कारण क्या कम है दोबारा नरेंद्र मोदी को लौटने के लिए? कम है तो बताइए, मैं 155 गिनाऊंगा। ये 5 कारण ऐसे हैं कि इस देश का गरीब बेचैन है कि पुनः नरेंद्र मोदी कैसे सत्तासीन हो, इस देश का गरीब परेशान है कि किस तरह से हमारे अधूरे काम को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और उसको पुनः सत्ता में लाना है, इसके लिए इस देश का गरीब बेचैन है। और हम विश्वास करते हैं कि 19 में भारी बहुमत के साथ नरेंद्र भाई मोदी पुनः सत्तासीन होंगे। मित्रों, पहले आपको याद होगा कि घर में बेटी पैदा होता था तो क्या होता था, गरीब हो या अमीर हो, एक बेटी आती थी तो उसको अमीरों के परिवार में लक्ष्मी नाम दिया जाता था। और जब दूसरी बेटी पैदा हो जाती थी तब क्या होता था, घर की सास निकल के कहती थी दूर जो केहन के बेटी आ गई हमारा घर में, एकरा खाली बेटी है। हंसिएगा नहीं, जितनी माताएं हैं उनको याद होगा ये बात कि सासे ताना देती थी किसको, पुतौ, किसको खाली बेटी हो रहा। आज इस गरीब का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री हुआ तो उसने इसकी भी चिंता किया और उसने सुकन्या समृद्धि योजना लाया कि सुकन्या समृद्धि योजना में चाहे जितने बेटी जैसा फूल खिले जिस आंगन में, उसके बाप को मुंह मलिन करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता है उस बेटी के नाम पर 1,000 रुपया, उसके नाम पर केवल 1,000 रुपया सुकन्या समृद्धि योजना में हम हर महीने जमा करते हैं, तो 14 साल तक उसके नाम पर रकम जमा करने के बाद 1,68,000 रुपया जमा होता है। और जब 21 साल की वह बेटी होगी और जब हम उस रकम को निकालने जाएंगे बैंक से तो लगभग 6 लाख रुपया उस गरीब बाप के बेटी को मिलेगा। 6 लाख रुपए में गरीब की बेटी की शादी नहीं होगी क्या, नहीं होगी क्या, बोलिए ना, नहीं होगी या होगी तो बोलिए हाँ होगी। तो अगर होगी तो इस काम को भी करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने गरीबों के हित में एक निर्णय लेकर करने का काम किया। मैं कितना काम गिनाऊं, मैं तो 5 ही गिनाने वाला था, 6 भी बोल दिया। और नौजवान साथी लोग यहाँ हैं, उनके हित में एक बात मैं बता दूं कि आजकल का हमारा जितना भाई मिलता है नौजवान, नाम भी पूछिएगा तो पहले मुंह थूक के आएगा तब बताएगा जब क्या नाम है, हर के मुंह में कुछ ना कुछ गुटका गुटका। पहले तो लोग पान खाते थे, अब गांव में थोड़ा खैनी खाते थे, अब तो दूसरा ही चीज आ गया, जितना में 4 बार खैनी खाएंगे उतना में एगो पुड़िया मिलता और हर आदमी खाता है। हम उस नौजवान साथी से कहने वाले हैं, मित्रवत कह रहे हैं, ऐसा मत कहना कि भाई विधायक जी कह दिए तो अब इनको अब वोटवे नहीं देना है, हमारा गुटखा बंद कराएंगे। हम गुटखा बंद कराने नहीं आए, हम आपको एक मैजिक बताने आए, मैजिक, एक वो जादू बताने आए हैं आज कि केवल गुटखा बंद करके अपने बुढ़ापा को आप आबाद कर सकते हैं। हम उस मैजिक को आज बताएंगे जितने नौजवान साथी,
जिनकी उम्र 18 है, जिनकी उम्र 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, 25 है, आज से आप प्रण लीजिए कि आप गुटखा नहीं खाइएगा और उस पैसे को अटल पेंशन योजना में बैंक में जमा करिएगा। जिसकी उम्र 18 साल होगी वो केवल 210 रुपया बैंक में जमा करिए, और जब आपकी उम्र 21 हो, आपकी शादी हो जाए और आपकी पत्नी 18 की आए तो उनके नाम पर भी 210 रुपया शुरू कर दीजिए। तो आप जमा करिएगा कितना, 210 प्लस 210, और जब आपकी उम्र 60 होगी तो आपको मिलेगा 10,000 रुपया हर महीने पेंशन, 5,000 पत्नी को और 5,000 पति को। अब मान लीजिए बुढ़ापे के समय में आपका बेटा को पुतौह लेके उड़ गया, आजकल लोग नहीं कहता है शादी के लिए तैयार, तो के बाद हमर बात कहाँ माने छे, दिलिये रहे छे अपना। तो अगर आपके हाथ में आया बेटा पुतौह, उसका भी जुगाड़ नरेंद्र मोदी कर दिया है कि अभी से 210 रुपया अगर जमा करिएगा तो बुढ़ापे में 10,000 रुपया पेंशन मिलेगा, और अपना घर मकान तो 22 तक हो ही जाना है, तो बुढ़ापे में भात दाल चोखा हो ही जाएगी, उसका भी जुगाड़ नरेंद्र मोदी कर दिया। ये सातवां कारण है नरेंद्र मोदी को दोबारा लाने का। अब हम तो क्योंकि समय अभाव है इसलिए